इस वीडियो में हम आपको ऐसे चीज दिखाने जा रहे हैं जो किसी भी रेलवे में और कहीं भी कुछ भी दुर्घटना होता है तो रेल के पटरी पर जो काम करता है और जो क्रेन चलता है वही क्रेन दिखाने जा रहे हैं। इस क्रेन के निर्माण से बड़ी बड़ी दुर्घटना में जो भी ट्रेन पलटी हो जाता है, ट्रेन पलट जाता है, मालगाड़ी पलट जाता है, जैसे भी हो मतलब बड़ी बड़ी जो बोगियाँ होती है उसको उठाने का काम किया जाता है। इसकी क्षमता लगभग 140 टन है, जबकि हालांकि देखा जाए तो एक बोगी की क्षमता लगभग 72 टन होता है, मतलब दो बोगी को उठाने की क्षमता इस क्रेन में होता है। एक क्रेन डिवीजन में रखा जाता है और जैसे ही सूचना होता है कि यहाँ बड़ी दुर्घटना हुई या ट्रेन पटरी पर से उतर गया तो इस क्रेन को ले जाया जाता है और तत्काल में इस क्रेन पर कर्मचारी भी रहते हैं और कर्मचारी की मदद से इसमें गनर रहते हैं, रिगर रहते हैं, क्रेन ड्राइवर रहते हैं। उस कर्मचारी की मदद से तत्काल इसको पटरी को चालू करने के लिए व्यवस्था किया जाता है और क्रेन की मदद से बोगी को उठा के पटरी पर रखा जाता है और जैसे ही पटरी पर क्रेन को रखा जाता है उसे ही अपना पटरी चालू हो जाता है और रनिंग चालू हो जाता है। नहीं तो रेलवे बहुत देर तक लेट हो सकता है, सभी गाड़ियां लेट हो सकती है, इसलिए इस क्रेन का बहुत ज़रूरी है रेलवे में रहना। इसीलिए क्रेन हर डिवीजन में लगभग कुछ कुछ 100-200 मीटर 300 मीटर पर एक क्रेन को रखा जाता है ताकि रेलवे का ऐसा चीज़ है दुर्घटना कब और कहाँ हो जाए इसका कोई गारंटी ही नहीं है, इसलिए इसको रखा गया है। आपातकाल इमरजेंसी में इसका उपयोग किया जाता है। इस पर कर्मचारी भी रहते हैं जो हेलमेट, दस्ताना, ग्लव्स और ड्रेस में रहते हैं और जैसे ही सूचना मिलता है तत्काल में कर्मचारी लोग अपने पॉइंट्स पर पहुंचते हैं। पॉइंट के हिसाब से इसमें पीछे बोगी भी रहता है, इसमें खाने पीने का व्यवस्था भी रहता है, मतलब अगर दो दिन तीन दिन क्रेन चलाने का आ गया तो सब व्यवस्था इसमें रहता है और तत्काल में इसको रखा जाता है। इसलिए क्रेन का बहुत ज़रूरी है। और ये जो चीज़ देख रहे हैं ये जब रेलवे कंडम हो जाता है, कोई भी गाड़ी जो होता है, इंजन होता है, कोई भी बोगी जब एकदम कबाड़ टाइप का हो जाता है तो उसको रेलवे क्या करता है कि कबाड़ वाले से बेच देते हैं और कबाड़ वाले इसको पार्ट पार्ट को अलग करते हैं।